महाभारत हो गई। मोबाइल में कैद हुई लाइव तस्वीरें, बारातियों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया है, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है, महिलाओं समेत दर्जन भर लोग इसमें घायल हुए। थाना छपरौली क्षेत्र के टाणा गांव का मामला, तस्वीरें देखिए। शादी समारोह, ठंडा खाना मिल गया बारातियों को, उस ठंडे खाने से लोगों में इस तरह गुस्सा देखने को मिला कि लाठी डंडे चल गए, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है बारातियों को, और जिसमें कई बाराती घायल भी। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते, कैसे देख, शादी में ठंडा खाना परोसने पर महाभारत छिड़ गया। बागपत से खबर है, तस्वीरें आप देख सकते, गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा, जिस दौरान ठंडा खाना शादी में परोसा जाता है बारातियों में, इस कदर टाना गांव में सामने से कुछ लोग आए थे लड़की का भात देने के लिए, इसमें डांस को लेकर और फिर खाने में लेकर कुछ आपस में विवाद हुआ, फिर विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। पुलिस को पता चला था, पुलिस ने इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें 5-6 लोग घायल हैं, उनका मेडिकल भी कराया गया था, और इसके में मेरे द्वारा जांच भी की जा रही है कि कहीं से कहीं किसी तरह कोई लापरवाही तो नहीं है, और फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हैदर मलिक हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े। हैदर, तस्वीरें जो आपने भेजी इस वक्त हम के न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर एक शादी समारोह कैसे महाभारत में तब्दील हो गया, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल, जो है अक्सर महाभारत का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में कौरव पांडव के बीच की लड़ाई आती है, लेकिन ये लड़ाई जो है ये महाभारत की नहीं और ना जमीन राज्य की नहीं, बल्कि महज जो शादी में जो ठंडा खाना दिया गया, महज उसके लिए लाठी डंडे जिस तरीके से चल रहे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं टीवी पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं, क्योंकि जो ये टांडा गाँव के हाफी तस्वीर में उसकी लड़की की शादी थी, जिसमें लड़की अपनी मामा अपनी भांजी की शादी में भात लेकर आए थे, और जैसे ही भात भरने के बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठे तो उनके सामने ठंडा खाना परोस दिया, जिसके बाद उन्होंने खाना खाने से मना किया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस जाने लगे, लेकिन जब लड़की के परिजनों को बुरा लगा तो सभी ने उनके साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना नहीं, लाठी डंडों से उनकी गाड़ियों के शीशे भी फोड़ दिए गए। इस दौरान शादी में आए एक शख्स ने पूरा वीडियो वायरल बनाकर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं बराती और जनाती में, तो इसमें कुछ लोग घायल भी हुए होंगे, और क्या अभी तक पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा है, किसी की गिरफ्तारी हुई है दोनों पक्षों में से? देखिए दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला करने का आरोप लगाया है, इसमें महिला सहित आधा दर्जन के करीब लोग इसमें घायल हुए हैं। छपरौली पुलिस ने फिलहाल कैरियर के आधार पर पूरे मामले की, इसमें सीओ बड़ौद जो रामानंद कुशवाहा जी है वो इस पूरे मामले में प्रकरण में जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया हैदर तमाम जानकारी के लिए। और मेरठ से खबर है, देवर ने भाभी की गोली मारकर उतारा मौत के घाट।